प्रदेश के बलिया में सरयू नदी ने मचाई भयंकर तबाही। चांद देयर पुलिस चेकपोस्ट के पास माझी बैरिया रोड एनएच 31 की मुख्य सड़क ध्वस्त। एनएच 31 अचानक टूटने की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सैकड़ों वाहन पुलिस चौकी के पास दोनों तरफ फंसे। पीड़ित लोगों ने मुख्य सड़क और रेलवे लाइन पर शरण ली। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत हाई। विपक्षी दलों से सहमति बनाने के लिए मोदी सरकार ने 3 मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। अर्जुन राम मेघवाल, राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू करेंगे बात। एक राष्ट्र एक चुनाव से डूबेगी अखिलेश यादव की नैया। विरोध करने पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया हमला। कमलनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा, अविश्वास प्रस्ताव से किसी सरकार को भंग करना पड़े तो क्या करेंगे। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रखा अपना पक्ष, कल ही होगी बैठक। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया भेजा। भारत ने 64 साल पुरानी संधि की समीक्षा की मांग की। बिहार के नवादा में दबंगों पर दलित बस्ती जलाने का आरोप। भूमाफिया ने जलाए 21 दलितों के घर। नवादा में आगजनी मामले में 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भूमि विवाद में दो पक्षों में मारपीट के बाद हुई आगजनी की घटना। घरों में आग लगाने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। नवादा कांड पर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक्सपोस्ट। लिखा, महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। बिहार के नवादा में दलितों का घर जलाए जाने की घटना पर मायावती की पोस्ट। लिखा, उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर। पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था करे सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय मैराथन बैठक। 23 और 24 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगी बैठक। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। पितृपक्ष के बाद बीजेपी 50 उम्मीदवारों के नामों का करेगी ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन ने दाखिल की जमानत याचिका। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी के से जवाब मांगा। 25 सितंबर को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। बिहार के औरंगाबाद में नक्सली गतिविधियों को लेकर 5 स्थानों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन। गया में जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर पहुंची टीम। लोटस 300 हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ ईडी का एक्शन। देश भर में कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की कार्रवाई को दिया अंजाम। दिल्ली, मेरठ, नोएडा और चंडीगढ़ में छापेमार कार्रवाई। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए 8 स्टेशन की नींव का काम पूरा। बुलेट ट्रेन परियोजना के निदेशक ने दी जानकारी।